दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकल ने आज शिमला के जाखू स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। लेडी गवर्नर अनंगा आलेरकल भी इस अवसर पर उनके साथ थी। राज्यपाल के रूप में यह उनका राजभवन से बाहर का पहला दौरा था। इसके पश्चात राज्यपाल ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया और हनुमान की विशाल प्रतिमा के समक्ष तस्वीरें खिंचवाई। उन्होंने यहाँ की भव्यता व सुंदर वातावरण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान हिमाचल प्रदेश के नागरिकों पर अपनी अपार कृपा बनाए रखे और सभी को उत्तम स्वास्थ्य दे। उन्होंने प्रार्थना की देशवासियों को कोरोना महामारी से शीघ्र मुक्ति देने में प्रभु हनुमान कृपा बनाए। उन्होंने कहा कि यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है और भविष्य की योजनाओं की भी उन्हें जानकारी दी गई है। उपमंडल अधिकारी श्री मंजीत शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया और मंदिर के पुरातन महत्व व इतिहास से उन्हें अवगत करवाया। राज्यपाल के सचिव श्री प्रियातु मंडल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। लेकिन वो देखने के लिए मैं नहीं आया, मैं यहाँ इस मंदिर में आया हूँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए कि अपने हिमाचल की पूरी जनता को वो स्वस्थ रखें, उन पर आशीर्वाद दें, उन पर कृपा करें और जो कोरोना का संकट आया हुआ है उसको वो निरस्त करें। इतनी मनोकामना लेकर मैं हनुमान जी के चरणों के धूल लेने के लिए आया था और वो मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ का परिसर अति सुंदर है, अति पवित्र है। हनुमान जी के दर्शन के बाद कोई अपवित्रता रहेगी ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो इसलिए इतना ही मैं लोगों को और सब जनता को कहना चाहूँगा कि सभी स्वस्थता के कारण, अपने खुद के स्वास्थ्य के कारण जो जो यहाँ के निर्देश अपने सरकार की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से आती हैं उसका पालन करें, हनुमान जी की कृपा हम पर अवश्य रहेगी। बस।